नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेर और फाइनली सैमसंग ने आज भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी M31 लॉन्च कर दिया है और ये फोन हमारे पास भी आ चुका है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको M31 और Xiaomi के Redmi Note 8 Pro के साथ कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। टोटली स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन है क्योंकि यहाँ पर हम स्पेक्स के बेसिस पे जज करेंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर हो सकता है, इसलिए स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन मैंने इसको कहा है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि दोनों ही फ़ोन आपको 15,000 के प्राइस रेंज के अंदर मिलते हैं। जो बेस मॉडल है दोनों का वो 15,000 के बिलो है, इसलिए इनका कंपैरिजन करना तो बनता है। सैमसंग ने M30s जब लॉन्च किया था वो भी काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन था, कंपनी इसे भी काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ लेके आई है। पर एनीवे देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M31 के बेहतरीन फीचर्स रेडमी नोट 8 प्रो के स्पेक्स और फीचर्स को मात दे पाएंगे या फिर सैमसंग एक बार फिर से एक डिसेंट स्मार्टफोन, एवरेज स्मार्टफोन बन के रह जाएगा जो कि उन लोगों के लिए बना हुआ है जो कि ब्रांडेड स्मार्टफोन कंसिडर करते हैं, चाइनीज़ ब्रांड्स की ओर नहीं जाते। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ़ोन के कंपैरिजन को, देखते हैं सबसे पहले डिस्प्ले किसका बेहतर है। तो यहाँ पर अगर हम बेहतर डिस्प्ले की बात करें तो मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी M31 ही है। सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको मिलता है IPS LCD। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो नॉच मिलता है, जो वाटर ड्रॉप शेप नॉच है, बहुत ही छोटा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो Redmi Note 8 Pro का नॉच भी छोटा है लेकिन थोड़ा सा सिर्फ फैला हुआ है। इस कॉम्पैक्ट नॉच की वजह से आपको वीडियो व्यूइंग में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखेंगे तो चिन जो है वो सैमसंग का थोड़ा बड़ा है लेकिन Redmi का जो चिन है वो थोड़ा सा कम है, तो कुछ अंतर है। जैसे इसमें नॉच बड़ा है तो इसमें चिन बड़ा है, पर डिस्प्ले क्वालिटी फॉर श्योर सैमसंग की पसंद आने वाली है। सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी का कंपनी ने इसमें इस्तेमाल किया है। अगर हम स्क्रीन साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इसमें मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन साइज़ M31 में, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको मिलता है 6.53 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। अब आपको बता दूं कि इस पर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है जबकि सैमसंग में ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में कंपनी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया। अब हम एक बार डिज़ाइन की ओर रुख कर लेते हैं। हालांकि डिज़ाइन जो है बहुत सब्जेक्टिव इशू होता है, किसी को कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो किसी को कोई, पर फिर भी देख लेते हैं किसका देखने में डिज़ाइन बेहतर लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं वो सैमसंग दिखा दूँ ठीक से क्योंकि ब्लैक कलर है तो थोड़ा लाइट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा कॉमन है, आप ऑलमोस्ट लगभग सभी स्मार्टफोन में देख चुके हैं, सेंटर में वर्टिकल शेप में कैमरा माउंट दिया है, जबकि इसका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा यूनिक हो गया है। पहले भी सैमसंग के फ़ोन में आप देख चुके हैं पर सैमसंग के अलावा दूसरे फ़ोन में आपको ऐसा बॉक्स शेप डिज़ाइन सब में नहीं मिलता है, एक आधे किसी फ़ोन में दिख जाएगा लेकिन बहुत कॉमन डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पर अब एक चीज़ आप नोट करेंगे कि सैमसंग में भले ही सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, इसमें अभी बैक पैनल पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और Xiaomi Redmi Note 8 Pro में भी आपको बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए, वो ये कि Redmi में आपको बैक पैनल भी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ मिलता है जबकि इसमें ग्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, पूरी तरह से पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन है, फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का है। इसमें बैक पैनल ग्लास का लेकिन फ्रेम पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। एक बार हम चार्जिंग पोर्ट्स पर नजर डाल लेते हैं तो दोनों में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और दोनों में 3.5 ऑडियो जैक भी दिया गया है। तो डिज़ाइन सब्जेक्टिव है, आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आया प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मुझे तो सैमसंग का पसंद आया डिज़ाइन, पर क्योंकि गोरिल्ला ग्लास है तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रेफरेंस Redmi Note 8 Pro को भी दे सकता हूँ, पर डिज़ाइन वाइज M31 को कंसिडर करूँगा। आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन की ओर, तो आपको बता दूँ कि दोनों ही काफ़ी पावरफुल हैं। हालांकि Redmi Note 8 Pro MediaTek Helio G90T चिपसेट पर काम करता है जो कि एकदम टोटली जो है वो गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन सैमसंग भी कुछ कम नहीं है। इसमें मिलता है कंपनी खुद का Exynos 9611 चिपसेट। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो भैया ये तो 20,000 के फ़ोन में भी कंपनी यही दे रही है और 15,000 के फ़ोन में भी यही दे रही है, दे रही है, बट मानिए यकीन कि प्रोसेसर ये काफ़ी पावरफुल है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। आप इसमें अच्छे हाई ग्राफिक्स पे भी पबजी गेम को एंजॉय कर पाएंगे। हालांकि पावरफुल Note 8 Pro ही है लेकिन मेरा कहना है कि सैमसंग भी कुछ कम नहीं है। दोनों में जो बेस वेरिएंट है वो 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज आपको मिल जाती है। और अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग का कोई मुकाबला नहीं, 6000mAh बैटरी के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है लेकिन चार्जिंग सपोर्ट 15 वाट का ही है। जबकि अगर Redmi Note 8 Pro पे नजर डालेंगे तो इसमें 4500mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग सपोर्ट जो है वो 18 वाट का है। तो यार ये नोटिस कीजिए कि अगर आपको एक पावरफुल बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए था जिसकी बैटरी ख़त्म ही ना हो, दो तीन दिन चलती रहे, तो
तो सैमसंग को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस हो, डिज़ाइन हो, डिस्प्ले हो, ये किसी मामले में आपको निराश नहीं करेगा। साथ साथ बड़ी बैटरी मिल रही है। Redmi Note 8 Pro उनके लिए, जो कि गेमर हैं और एक ओवरऑल ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे थे, उनके लिए Redmi Note 8 Pro डिज़ाइन किया गया है। लेकिन सैमसंग खास तौर पर एक बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, इसका सबसे बड़ा हाईलाइट ही बैटरी है। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर कैमरा पर नजर डालते हैं, तो दोनों में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको मिलता है जो रेगुलर फोटोज क्लिक करता है। दोनों में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर भी मिल जाता है आपको। लेकिन जो दूसरे सेंसर जो हैं, जो दो दूसरे सेंसर हैं, वो दोनों के अलग अलग हैं। इसमें आपको 5 और 5 यानी 64, 8, 5, 5 के सेंसर मिलते हैं। एक 5 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो मैक्रो है, और एक जो 5 मेगापिक्सल सेंसर है वो डेप्थ सेंसिंग काम आता है। Redmi Note 8 Pro में दिया है 64, 8, 2, 2 दो मेगापिक्सल का एक सेंसर मैक्रो है, और 2 मेगापिक्सल का दूसरा सेंसर जो है वो डेप्थ सेंसिंग में काम आता है। वहीं सेल्फी की बात करेंगे तो सैमसंग की सेल्फी 32 मेगापिक्सल की है, तो शाओमी की सेल्फी 20 मेगापिक्सल की है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि कलर वाइज सैमसंग थोड़ा सा बेटर लग रहा है। हालांकि ये डिस्प्ले में देख रहे हैं तो जज नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे देखने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सैमसंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी सैमसंग फ्रंट कैमरे में बाजी मार रहा है। फोटो क्वालिटी किसकी बेटर है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अब यहाँ पर एक बार सॉफ्टवेयर पर नज़र डाल लेते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको मिलता है एंड्रॉयड 10 विद One UI 2.0 लेयरिंग ऑन टॉप ऑफ इट, जबकि शाओमी में मिलता है एंड्रॉयड 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन 9 दिया है और उस पर MIUI की लेयरिंग दी गई है। तो सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पर सैमसंग बाजी मारता है। अब आप देख सकते हैं कि एक परफॉर्मेंस ऐसा सेक्शन है जहाँ पर सैमसंग थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पर बाकी सेक्शन, बाकी चीज़ें जो है उस हर मामले में सैमसंग कुछ ना कुछ नंबर से M31 जो है वो Redmi Note 8 Pro पे भारी पड़ रहा है। चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो कैमराज हो, या चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। हाँ, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो Note 8 Pro बाजी मार रहा है। ऐसे में ये आपका डिसीजन है कि यहाँ पे आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। मेरे ख्याल से ऑलराउंडर स्मार्टफोन आज M31 माना जाएगा, क्योंकि हर सेक्शन में इसके पास एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे Redmi Note 8 Pro का जो प्लस पॉइंट है वो इसकी परफॉर्मेंस है और इसकी कंस्ट्रक्शन है। अदरवाइज M31 जो है वो पूरा एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है और पूरे तरीके से Note 8 Pro को टक्कर दे पा रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस फोन को सजेस्ट करेंगे अगर 15,000 के प्राइस रेंज की बात आएगी, M31 लेना चाहेंगे या Redmi Note 8 Pro को लेना चाहेंगे? प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।